आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मौनी चली गई हैं और हान चले गए हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं रो रहा था बार बार। हान के बाद दूसरा कोई छोटा छोटा बच्चा रहा नहीं हम लोगों के साथ। एक ने एक चीज आके भूल ही जाता है। और ये रही हमारी भिंडी की सब्जी। तो गाइस सुबह हो चुकी है, मौनी को छोड़ के हम लोग आ चुके हैं। और मैं कल बहुत ही ज्यादा रोया था और जो है ऐसा था कि चली गई वो, लेकिन अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। और अभी हमने चाय बना रहे हैं और आज संडे था इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ घर पे, और ना अभी मैं स्कूल में होता मेरे पापा आपसे बात कर रहे होते। तो आज मैं आप संडे हैं तो थोड़ा बहुत मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। तो चलिए अभी मैं चाय लेके आ चुकी हूँ। अच्छा एक ने एक चीज आके भूल ही जाता है। भूल ही नहीं है वो, हर चीज फेंकता था ना। आज भी औरहान का जो कल गए थे तो आज दूसरा दिन है, बहुत खराब लग रहा है। घर देख रहे हैं कितना सन्नाटा है। और आज संडे है तो आज वर्क क्लब दिन में भी है शाम को भी है, तो उसके लिए रेडी हो चुके हैं। बाकी लौटते हैं फिर मिलते हैं आपसे, शाम को भी आज क्लब जाना है मुझे, तो चलो फिर मिलते हैं फिर। और अबान उरहान को भूलने के लिए रिजवान को बुला चुके हैं सुबह से ही। अबान आज पहला दिन कैसा लग रहा है उरहान के बगैर? बहुत खाली, बहुत बेकार, बहुत गंदा, इसीलिए ऐसे बिजी हो। हमने ही अबान से कहा था कि रिजवान को बुला लें ताकि थोड़ा से अबान को अच्छा लगे। लेटे थे उरहान के सारे सामान देख देख के रो रहे थे। अभी अबान एकदम से जो है, उनके अब्बा भी यही बात बोल रहे थे पाउडर वाली, और अबान भी कह रहे थे अम्मा उरहान का पाउडर रह गया। तो अभी मैं बना रहा था, मैंने अपने ये बॉक्स को कस्टमाइज किया था, आप देख सकते हैं ये ऐसे, और अंदर मैंने ये इंडिया का फ्लैग कर रखने वाला बनाया है, और नीचे मैंने सोलर सिस्टम और ये बनाया, इसमें भी कलर नहीं है। और ये देखिए ये मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट है। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि मेरी जो ये वाली रफ कॉपी है इसको मैं और भी ज्यादा अच्छा बना दूँ, तो इसलिए अभी मैं इस पर व्हाइट पेपर चिपका रहा हूँ। और व्हाइट पेपर चिपकाने के बाद मैं इस पर कुछ ड्राइंग्स बनाऊंगा अच्छी सी, और फिर तो ये सारा करने के बाद सफाई कर देना यहाँ पे, ठीक है? एकदम नया। हाँ उसके बाद फिर आके नहा लो। चलो डेली की रूटीन क्या, बार बार वही बात, क्या कहें, बस अभी दिल नहीं कर रहा उरहान के खिलौने हटाने से। जब यहाँ रखे रहते थे उरहान आते थे, जैसे ही रूम से निकल के आते थे फौरन सारे खिलौने फेंकना शुरू, सब पूरे फैला के उसके बाद एक हाथ में उठा के खेलना शुरू करते थे उसको। ये मेरी मैट भी उठा के फेंकते थे। तैयार होके चले गए इवेंट में, खाना भी नहीं खाया, पूजा आई थी बना गई है, मरियम चली गई, सारा दिन मरियम के साथ बीतता था, अच्छा लगता था। हम लोग बैठते थे, बातें करते थे, और टीवी एंजॉय साथ में करते थे, चाय पीते थे, लेटना भी साथ में होता था हम दोनों का। घर में हम तीन ही लोग रहते हैं, जब कोई आता है तो बड़ा अच्छा फील होता है, फिर जब जाता है दो दिन के लिए आता है तो फिर इतना नहीं परेशान होते हैं हम लोग, मगर जब ज्यादा दिन रुक के कोई जाता है। चाय पीने के बाद मरियम का फोन आया सुबह, वीडियो कॉलिंग आई तो मरियम अपना ब्रेड और आमलेट दिखा रही थी कि जैसे तुम बनाती थी वैसे मैंने भी बना के खाया है। और उरहान सो रहे थे, उरहान को जैसे ही दिखाया बड़ा अच्छा लगा, दिल खुश हुआ, दिल कर रहा था कि उठा ले जल्दी से, प्यार कर ले उरहान को। तो उरहान जब घर के अंदर आए तो बड़ा अच्छा लगा। अबान थोड़े बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, अबान के बाद दूसरा कोई छोटा छोटा बच्चा रहा नहीं हम लोगों के साथ, बस ऐसे ही मिलना जुलना रहा बच्चों के साथ। तो ऐसे ही हम जब गए थे एक महीने के लिए, दिल्ली गए थे, रुके थे हम, तो उरहान के साथ एक महीना रहे थे, तब बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत दिक्कत हुई थी उरहान को, साथ में रहते थे साथ में एकदम बिल्कुल, तब भी बहुत तकलीफ हुई थी। मगर जब मेरे घर में आया उरहान तो बड़ा अच्छा लगा, जैसे लगता था कि अबान का छोटा बचपना है, अबान के बाद कोई छोटा बच्चा रहा नहीं घर के अंदर,
इसीलिए बहुत खराब लग रहा है। औरहान औरहान को भूल नहीं पा रहे हैं हम लोग, हर चीज उनकी याद आती है, खेलना कूदना टहलना उनका सोना हर चीज की उनकी टाइमिंग थी। और पूरी टीवी में सिर्फ कोखो मेले नहीं चलता है। तो अब मैं नहा के आ चुका हूँ और नहा के थोड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि औरहान चला गया, घर एकदम खाली खाली लग रहा है मुझको। और अभी मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ थोड़ा काम है तो मैं सोच रहा था कि मैं स्टूडियो में अब्बा के चला जाऊँ, तो काम है मुझे स्टूडियो में जाना है, तो उससे पहले मैं खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी और इंटरनेट भी चला गया था इसलिए मैं स्टूडियो में जा नहीं पाया। तो अब मिलता हूँ मैं आपसे अपना काम करके। तो दो बज चुके हैं और हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था तो इसलिए अब मैं और अम्मा अभी खाने जा रहे हैं भिंडी की सब्जी। दीदी बना के गई थी रोटी और सब्जी भिंडी की। वो देखिए 2:10 हो गया है और ये रही हमारी भिंडी की सब्जी। तो अम्मा ने आज बहुत सारा काम किया, बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैं रोज करती लेकिन आज मैंने थोड़े डबल किए हैं। और मेरे पापा अभी प्रोग्राम में चले गए हैं, वो पूरा उनके 2 प्रोग्राम थे एक दिन में अटेंड करके अभी गए हैं जस्ट वो एक और अटेंड करने के लिए। और मैं अपना आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मौनी चली गई हैं और हान चले गए हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं रो रहा था बार बार। अब कुछ दिन तो लगते ही हैं, जब कोई जाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है दिल को, कुछ दिन तो उसको रिकवर करने में लगते ही हैं। और बिल्कुल भी जैसे लग रहा है कि घर खाली खाली हो गया है और एकदम सन्नाटा सा हो गया घर में, अब्बा चले जाते तो और सन्नाटा हो जाता है। तो आज इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बना भी नहीं पाया। और अच्छा मुझे लगता है कि आपको ब्लॉग पसंद आया और दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।